नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आपका गांव में आपका घर पे बैठ के जो बिजनेस करके हर महीने लाखों रुपए कमा सकते, ऐसे ही एक बिजनेस है साबुन बनाने का बिजनेस। फ्रेंड, इसमें इतना फायदा है, आप अगर इसके बारे में पता चलेगा तो आप भी सोचने पड़ जाओगे। कुछ ऐसा लगेगा जे ये बिजनेस मेरे को करना ही चाहिए, और ये बिजनेस फ्रेंड बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट में चालू कर सकते हैं और इसमें फायदा बहुत ज्यादा है। पिछले मेरा बिजनेस आइडिया में एक कमेंट आया था रमेश पटेल का, उसमें मेरे को पूछा था, भैया ऐसा बिजनेस करके अगर इतना पैसा कमाया जा सकते तो हर आदमी बिजनेस क्यों नहीं करते, जॉब क्यों करते, जॉब क्यों ढूंढते रहते। तो फ्रेंड, इसमें इसका कई सारा वजह है। हर कोई बिजनेस में रिस्क होता है, आप अगर ना सोचे ना समझाएगा सलंग लगा दोगे तो डूब जाओगे, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। आप अगर महीने में इतना पैसा कमाना चाहते तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ते। तो मैं ये नहीं कभी नहीं बताते जब आप इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है आपको, अब जाके सलंग लगा दो, ऐसे बिल्कुल नहीं कहते। फ्रेंड, सिर्फ 20,000 रुपये का जॉब के लिए, लकड़ी के लिए आदमी 25 साल तक पढ़ाई करते। कभी सोचा है आधा जिंदगी पढ़ाई में बिता देते सिर्फ 20,000 रुपया का जॉब करने के लिए? लेकिन महीने में लाखों रुपया कमाने के लिए क्या 6 महीने तक स्टडी नहीं कर सकते? मैं 25 साल नहीं, 25 महीने नहीं, सिर्फ 6 महीने का बात बोल रहा हूँ। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप अगर कोई भी बिजनेस में सिर्फ 6 महीने आपका दिमाग लगाओगे, आप काम करोगे, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका, तो कोई भी बिजनेस में आप एक्सपर्ट बन सकते। तो फ्रेंड, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कोई भी बिजनेस शुरू कर रहा है करना चाहते हो तो पहले तो उसके बारे में जानकारी लीजिए, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए। जहाँ जो भी बिजनेस आप चालू करना चाहते हैं, पहले वो बिजनेस के अंदर जाके जो पहले से कर रहे हैं आप थोड़े दिन तक उसके पास रहिए, कैसे बनाते हैं, कैसे सेल करते हैं, उसका मार्केटिंग बारे में जानिए, उसके प्रोडक्ट के बारे में जानिए। पूरा के पूरा जानकारी लेने का बाद ही कुछ बिजनेस करने के लिए जाओगे तो ही सक्सेस मिलेगा। आप जाके सलंग लगा दोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो जो भी है फ्रेंड, मैं आपको बिजनेस आइडिया देते रहता हूँ, बिजनेस के बारे में और भी जानकारी लेना चाहिए तब जाके स्टार्ट करना चाहिए। तो जो भी है, मैं आज जो बिजनेस आइडिया के बारे में आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही शानदार है, आप चालू कर सकते हैं, ये बहुत ही कम पैसा में हो जाएगा और इसमें फायदा बहुत ही ज्यादा है। जैसे मैं साबुन का बिजनेस के बारे में आपको बता रहे थे, तो फ्रेंड क्या आपको पता है आप बाजार में से जो साबुन 30-40 रुपये में खरीद के लाते वो साबुन सिर्फ 8 से 10 रुपये बनते, कोई भी ब्रांड वाला साबुन 8 से 10 रुपया में बन जाते। लेकिन वो बीच में जो रिटेलर है, होलसेलर है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर है, हर साबुन में 20 से 30 रुपया खा जाते हैं। तो फ्रेंड कुछ आप भी ऐसा कर सकते जब उसका मैन्युफैक्चर आप चालू कर सकते और उसका बीच में का जो बेनिफिट है वो आप कमा सकते। मैं जो बेचिंग के बारे में बता रहा हूँ तो उसमें आप हर रोज, आप अगर एकला भी काम करोगे ना तो 1000 साबुन बना सकते। तो आप सोच सकते एक साबुन में 10 रुपया हो तो 1000 साबुन में 10,000 रुपया तक आप महीने दिन में कमा सकते, तो महीने में 3 लाख रुपया हो गया। तो फ्रेंड बहुत ही आसान है, तो पहले देख लीजिए कैसे मशीन काम करता है। मैं इसको बाद में बताऊंगा, वीडियो का लास्ट में बताऊंगा मशीन कहाँ पे मिलेगा, मार्केटिंग कैसे करोगे और इसमें कैसे बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड और एक बात है, आप अगर मेरे चैनल में पहली बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा देना। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड इधर देख सकते हैं, इसको बोलते सोप लूडोस, मतलब साबुन बनाने का लूडोस है और इससे साबुन बनते हैं। तो इधर मैं आपको 50 किलो एक हट्टा बना के बताऊंगा कैसे साबुन बनते हैं। तो इधर मैं देख सकते हैं, मैं 50 किलो लूडोस ले लिया, तो इधर मैं 50 किलो पूरा 50 किलो हो गया। तो ये आपको मिक्सर मशीन में डालना पड़ेगा, जो जितना भी सेट है 3 सेट का मशीन आएगा, तीनों आपको मिल जाएगा 65,000 के अंदर। तो ये आप देखना इसके अंदर मिक्सर मशीन में पहले तो कलर डाल देते, ये सैंडल सोप बना रहा हूँ, मैंने सैंडल साबुन का जो कलर है तो ही कलर का बना रहा हूँ। तो इसमें आपको अगर कलर का या बोलूँ तो आपको 100 ग्राम कलर डालना पड़ेगा, अभी डाल रहा हूँ परफ्यूम, जो हर 50 किलो में 600 ग्राम परफ्यूम डालने का जरूरत है। और एक चीज डालना पड़ता है फ्रेंड, जो है सोप सॉफ्ट पाउडर, जो बाद में बताया डाल के आपको बताऊँगा। तो ये दोनों मिक्स अच्छा करके मिक्स करना पड़ेगा आपको। एक बात ध्यान रखना, जितना अच्छा करके मिक्स होगा साबुन का क्वालिटी उतना अच्छा होगा। उसके बाद में आते फ्रेंड रूलर मशीन,
उससे लेके फिर रुलाल मशीन में डालना पड़ता है, डाल के ये अच्छा करके यह करना पड़ता है, सब करना पड़ता है अभी सब, क्योंकि ये उससे मिक्सर मशीन में इतना अच्छा नहीं होते, रुलाल मशीन में देके पूरा मही करना पड़ता है। तो फ्रेंड एक बार देके नहीं होते, कम से कम 4-5 बार 6 बार जितना बार ज़्यादा दोगे ये रुलाल मशीन में, इसका क्वालिटी उतना ही अच्छा होगा। तो आपका हिसाब से आप जब यूज़ करोगे तो अब आपको खुद को ही पता चल जाएगा कितना बार देना है। तो मैं आपको जानकारी देने के लिए इतना ही बोल रहा हूँ, कम से कम 4-5 बार अगर रुलाल मशीन में, ज़्यादा टाइम नहीं लगते, थोड़ा टाइम में ही निकाल देते, तो 4-5 बार दोगे तो सबसे क्वालिटी बढ़िया होगा। तो इससे लेने के बाद फिर से एक बार आपको ये मिक्सर में डालना पड़ेगा, अभी आपको डालना पड़ेगा सोप सब पाउडर, और इसका साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी डालना पड़ेगा, जो उसका मी होने का बाद उसका पकड़ जरा अच्छा होना चाहिए, इसमें थोड़ा बहुत पानी भी डाल देते तो इसमें साबुन का सेट ले लेते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये मिक्सर में अच्छा करके मिक्स करना पड़ेगा, मिक्स करने के बाद इधर से निकालना पड़ेगा। तो आप देख सकते कितना अच्छा बन गया है, ऑलरेडी मिक्स हो गया है। तो ये मिक्सिंग से अभी डालना है ये वाला मशीन में, जो आपको एक स्टिक बना देगा, मतलब आपको जो सॉफ्ट किया था ये सॉफ्ट वाला चीज आपको एक लाठी जैसा स्टिक जैसा बना के साबुन का वो सामने रख देगा। आपको अभी दिखाते, तो इधर मैं डाल रहा हूँ साबुन का जो मिही कर लिया था वो डाल रहा हूँ, और इधर से आपको निकल रहा है वो स्टिक। तो फ्रेंड यही साबुन का स्टिक जो अभी ऑलरेडी साबुन का फेस में आ गया है, तो इधर से काट के फिर दूसरा साइज करना पड़ेगा। अब देख सकते काट काट के रखा हो, तो इस तरह मापना पड़ेगा स्केल से पहले से। तो उसका बाद में फ्रेंड आप कितना वेट का साबुन बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप माप ले सकते हैं। ज़्यादातर साबुन तो 100 ग्राम का ही होता है, 1 किलो में 10 साबुन होते हैं, 100 ग्राम का एक साबुन होता है, तो वो 100 ग्राम का हिसाब से काट सकते। तो आप छोटा बड़ा भी कर सकते, ढाई से हाथ तरह का ढाई आपको मिल जाएगा। तो ये पहले आप कौन हिसाब से साबुन बनाना चाहते हो हिसाब से फ्रेंड काट लेना। काटने का बाद आखिरी में जो आपको करना पड़ेगा आपको अभी बता दे, इधर में ले लेना। तो इसमें फ्रेंड मुजूरी लगते हैं, दूसरा किसी का काम पे लगोगे तो सबसे अच्छा अकेला अकेला संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड 100 ग्राम करके मैं इधर में काट के रखा हूँ, और अभी इधर में साबुन का जो डाई से डाइस के अंदर देने का साथ साथ थोड़ा फ्रेश करने का साथ साबुन बन रहा है, बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बन जाते, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होते। मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं बताते एक साबुन लेके आपका हाथ में, अब देख सकते सिर्फ फ्रेश किया तो साबुन हो गया। तो इधर मैं आपको बताते देखना कितना मिही, कोई भी ब्रांड जैसे साबुन आपको बन जाएगा। तो आप कोई भी परफ्यूम कोई भी कलर इस पर सेट कर सकते हैं, और ऐसे अच्छा बढ़िया साबुन बना सकते सिर्फ 8 से 10 रुपये का अंदर। और इसमें इसका क्वालिटी भी कोई भी ब्रांडिंग साबुन जैसे होगा, आपको ब्रांड लेके कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड आपने देख लिया कैसे मशीन काम करता है और इसका प्रोडक्शन कैसे कर सकते, और मैं बताया इसका जो लूडो से कितना में खरीद सकते। तो फ्रेंड आप अगर चाहते तो ये जो मशीन है नॉन स्टॉप 17 से 18 घंटा तक काम करा सकते, और अगर मैं जैसे 1000 साबुन का बात बोला था, अगर 17-18 घंटा तक अगर इसके काम कराओगे तो कम से कम 5000 साबुन आप बना सकते। तो 5000 साबुन का अगर 10 रुपये भी बेनिफिट हो जाए तो आप सोच सकते हर रोज 50,000 रुपया, तो महीने में कितना हो गया 15 लाख रुपया। तो फ्रेंड इतना जरूरत नहीं, आप अगर करना चाहते तो जरूर कर सकते, बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस है। और अभी बताते फ्रेंड ये मशीन कहाँ पे मिलेगा आपको। फ्रेंड ये जो मशीन है कोई भी आपका आसपास में कोई भी बड़ा सिटी है उसमें मिल जाएगा, अमेजन से भी आप खरीद सकते। और दूसरा बात है फ्रेंड, आप अगर उसमें भी आपको दिखाते मैं उसका कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, जो मशीन बेचता है उससे आप खरीद सकते, उसके पास से आप आसानी से खरीद सकते हैं। और बात आते फ्रेंड रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल तो ऐसे ही बड़ा सिटी में मिल जाते, लेकिन आप अगर चाहते जिसके पास से मशीन खरीदना है वो आपको रॉ मटेरियल का पूरा इंतजाम कर देगा, उसको और ये मशीन कैसे चला सकते वो भी आपको सिखा देगा, ट्रेनिंग कर देगा। और दूसरा बात आते फ्रेंड ये जो मार्केटिंग सप्लाई, आप इतना साबुन बनाओगे तो किसके पास सेल करोगे। तो फ्रेंड जिसके पास से आप मशीन खरीदोगे वो थोड़ा बहुत आपको मार्केटिंग सपोर्ट कर देते, और फिर आप चाहते हैं तो आपका पास वाला कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर फिर होलसेलर को ढूंढ सकते, बहुत ही आसान है अभी का टाइम पे। जैसे मोबाइल का जमाना है, आप अगर नेट में भी सर्च करोगे ना तो भी आपको होलसेलर फिर डिस्ट्रीब्यूटर का हजारों नंबर आ जाएगा, उसके साथ कॉन्टेक्ट करके आप आसानी से आपका सामान बेच सकते। आप मैं तो आप पहले से बता दे फ्रेंड इससे कैसे कितना कमा सकते हैं। तो फ्रेंड
इसमें तो फायदा बहुत ज्यादा है, तो आप जितना भी सप्लाई दे पाओगे आपका ऊपर डिपेंड करते हैं, उतना ही आपका इनकम होगा। तो आप अगर शुरू करना चाहते हैं फिर भी कोई दिक्कत लग रहा है तो जरूर मेरे को कमेंट करना। अगर आपका ये बिजनेस इतना इंटरेस्टेड नहीं लगा तो मेरा अगले वीडियो के लिए इंतजार करना, हो सके मैं दूसरा जो बिजनेस आइडिया आपको देने वाला हूँ वो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते। तो आप अगर हमारे साथ में जुड़े रहना चाहते तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना। तो फ्रेंड मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहना, नमस्कार।